लालू जी किसी का शादी करावे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता मालिक होती है और जनता जो है नरेंद्र मोदी जी का सम्राट। देखिए चुनावी माहौल है और सभी लोग अरे हुए हैं और हर एक तरह के हथकंडा अपनाया जा रहा है, सीट शेयरिंग की बात हो, बयानबाजी की बात हो। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पीआर के साथ। कहा जाता है कि चुनाव के समय में नए रिकॉर्ड बनते हैं और नई सियासत लिखी जाती है। अब इसी पर डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी ने अशोक महतो की शादी पर जमकर बरसे। वहीं सीट शेयरिंग पर भी सम्राट चौधरी ने कहा बहुत ही जल्द यह सब निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा, बहुत ही जल्द सभी पहलुओं को सुलझा दिया जाएगा, सब एक है, सब साथ है, पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, 40 के 40 सीटों पर विजय होगी। अब देखिए लालू प्रसाद यादव की बात आती है, अशोक महतो की शादी की बात याद आती है 55 की, तो साफ तौर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कह दिया लालू यादव किसी का भी शादी करवा दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सर शादी करवाते रहें उससे हमें मतलब नहीं है, हम लोग जीत रहे हैं और अच्छे वोट से जीतेंगे, समय आएगा तो देख लीजिएगा। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, जय सुनिए। देखिए कोई कहीं ज्वाइन करे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं। सर अशोक महतो ने आज लालू यादव से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया है, कल ही शादी हुई। लालू जी किसी का शादी करावे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता मालिक होती है और जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के सम्राट जी से चुनाव लड़ने की उनको लड़ने की तैयारी की जा रही है। लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनडीए के प्रत्याशी लाखों वोट से वहाँ चुनाव। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक करेंगे?